आजकल तो सीढ़ी उतरते वक्त भी थक जाता हूँ, लगता है बुढ़ा हो चला हूँ। लच्छो डार्लिंग, लच्छो। बाय डार्लिंग, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। बाय, शाम को जल्दी आना। हाँ ओफो मेरी जान, जल्दी आना हमारी किस्मत में कहा। दिन भर मरीजों के साथ सर खपाई करो तब जाके कहीं उनका हाथ जेब में जाता है, कुछ पैसे मिलते हैं। तुम औरतों को अच्छा है, पति जैसे दफ्तर गया जाके आराम से बिस्तर में लेट गई, शाम तक सोते रही, शाम को उठ के जरा सा खाना वाना बना दिया, काम हो गया। तुम क्या समझते हो मैं दिन भर सोती रहती हूँ क्या? और क्या, कितना काम करती हूँ मैं। दिन भर झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, मार्केट जाती हूँ। ये इस काम सब सोते सोते होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे कहने का ये मतलब है कि ये कोई काम हुआ, घर का काम कोई काम हुआ? जरा बाहर निकलो मेरी तरह, जरा मेहनत करो, फिर पता चलेगा। जो महीने में लाखों रुपए तुम्हें लाके देता हूँ ना मैं, लाखों चलो हजारों सही, मगर जो लाके देता हूँ उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम जानती हो क्या? तुम महीने में हजारों कमा के लाते हो ना? मैं एक दिन में लाखों रुपए कमा सकती हूँ। वो कैसे? पैसे कमाने के लिए मेहनत की नहीं अकल की जरूरत होती है। हाँ तो वो तुम लाओगी कहाँ से? क्या? नहीं लच्छो, मैं क्या कह रहा था कि अगर तुम कमा सकती हो ना तो शाम तक मैं लाख रुपए कमा के रखूँ, हम किसी फाइव स्टार में जाके खाना खाएंगे। तुम शाम को जल्दी आना, मैं पैसे कमा के रखूंगी। ये बात है, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन एक बात बताओ, ये शाम तक में तुम पैसे कमाओगी कैसे? मेरे पास है ना एक अच्छा प्लान है। अच्छा क्या? ये बंगलो हमें दहेज में मिला था ना? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मेरे बाबूजी ने हाँ कही थी। मैं इसे बेच दूंगी। क्या? आइए शेख बादल बिन बरसात, वैसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमको तुम जैसी अच्छी डॉक्टर मिली। मिली नहीं, मिले। हाँ वही मेरा मतलब है कि हमको अच्छी डॉक्टर मिली। शेख साहब देखिए, मैं डॉक्टर मिस राज नहीं हूँ, मैं डॉक्टर मिस्टर राज हूँ, इसलिए मिला डॉक्टर मिला। हम जानते हैं कि तुम डॉक्टर मिस्टर राज होती। देख रहे हैं आप, बिल्कुल आपकी तरह है, इसलिए मिस्टर राज मिला। हम देखती ही तुम्हारी मूंछ भी देखती कि असली है मूंछ। मैं जानता हूँ मजाक कर रहे, मैं भी मजाक कर रहा था, मैं जानता हूँ आपके बात करने का स्टाइल ही है। फिलहाल आप ये दवाइयाँ दिन में तीन बार लीजिएगा दूध के साथ, आप ठीक हो जाएंगे। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम इतनी अच्छी डॉक्टर कि हम तुमको अपना दोस्त बनाती। नसीब। हम कुछ दिन के लिए बंबई में रहती। अच्छा, अच्छा। इसलिए हम तुम्हारा घर देखती, घर कैसा है। मेरा घर देखती, अगर ये 6 फुट 2 इंच का शेख मेरे घर में आके जम गया तो शाही खाना खिलाते खिलाते मेरा तो दीवाना निकल जाएगा, क्या करूं क्या करूं। शेख साहब क्या, मेरा घर बहुत फर्टीचर है, बहुत ही सड़ा हुआ है, आप उसमें नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती अब मैं? हाँ, क्योंकि मेरा जो घर है ना वो कच्ची रेत का बना हुआ है, उसकी नींव यानी उसका जो बेसमेंट है, उसका जो रूट है, वो इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि अगर बगल की गली में से सिंगल डेकर बस भी जाती है तो मेरी दीवारों में से रेत गिरने लगती है, धूल गिरने लगती है, ईंटें गिरने लगती है। तो छोड़िए, ये मोटे मोटे बच्चे, ये मोटे मोटे खटमल, और चूहे तो आमतौर पर पकड़ा पकड़ी खेलते रहते हैं, कभी कभी दीवारों के पीछे से बिच्छू भी निकल आता है जो डंक मार के भाग जाता है। क्या बताऊं आपको, और पानी का तो इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है, जरा सोचिए, नल 24 घंटा है लेकिन पानी सिर्फ 15 मिनट आता है, बिल्कुल आपके अरबस्तान की तरह, और बारिशों में तो छत टपकने लगती है, आदमी अंदर बैठा बैठा लेटा लेटा भीग जाता है। तो एक बात और कहता हूँ आपको, पता है अड़ोस पड़ोस में लोग कहते हैं कि मेरे घर में भूत का भी साया है, कई बार तो मैंने रात के 12:30 बजे भूत और चुड़ैल को साथ में रम्मा सम्मा करते हुए देखा है। अरे तुम कितनी सच्ची डॉक्टर होती। हाँ सो तो है, हमारा 1-2 करोड़ रुपए बचती। वो कैसे? हम सोची कि तुम्हारा मकान खरीद के तुमको 2 करोड़ रुपए देती। क्या? बाहर निकलो। मैं क्यों बाहर जाऊँ? मैं सब्जी बेच रही हूँ। हाँ। अरे हाँ, लेकिन इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरे सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे ना। कस्टमर? हाँ, मैं ये बंगला बेच रही हूँ लेकिन तुम्हारी तरह चिल्ला नहीं रही हूँ। तुमको बंगला बेचना है ना तो ऐसा खड़ा रह के बंगला नहीं बिकेगा, उसको चिल्लाना पड़ता है, मकान लो मकान, सुंदर सा प्यारा सा टिकाऊ मकान। पागल हो गए क्या? बाहर निकलो। अरे लेकिन मुझे एक मकान की तलाश है। आपकी तलाश खत्म हो गई। ये है सुंदर सा प्यारा सा टिकाऊ मकान। देखा,
मकान ऐसा बेचा जाता है। लेकिन मैडम, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, यही वो मकान है मैडम आपकी। अरे आप सुनना सुनाना कुछ नहीं, आप अंदर तो चलिए प्लीज, बोल बोल कुछ नहीं, चलिए ना। आइए आइए आइए, देखिए मेरा घर कितना प्यारा सा है, ये सोफा है, आप बैठे ना, आप बैठे ना। लेकिन मैडम मैडम सोफा बहुत अच्छा है मैडम, लेकिन कुछ खाइए कुछ खाइए प्लीज प्लीज, आप कुछ खाइए ना, ठंडा पीजिए ठंडा पीजिए। ठंडा नहीं पीना मैं घर से, खाते खाते बोलते नहीं। चलो चलो ये खाओ, ये मम्मी के लिए, ये डैडी के लिए। अरे भूखे पेट घर देखोगे तो घर पसंद कैसे आएगा। अरे मैडम आप मुझे प्लीज बताएंगे ये कर्नल कपूर का घर है कहाँ? कर्नल कपूर का घर? हाँ। Oh my God! Get out! You just get out! अरे अभी आप मुझे अंदर भेज के, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जाइए। कर्नल कपूर का घर? Get out! Just go! Excuse me, madam. Yes. मुझे घर चाहिए। देखिए अगर आपको कर्नल कपूर का घर चाहिए तो वो नेक्स्ट लेन में है। हाँ कर्नल कपूर? नो 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 नो, मुझे तो यही घर खरीदना है। खरीदना है? देखिए मुझे मकान खरीदना है, बाहर बोर्ड लगा था इसलिए मैं अंदर आ गई। सॉरी मुझे लगता है मैं शायद गलत जगह पे आ गई। अरे नहीं नहीं, यू हैव कम टू द राइट प्लेस, आप सही जगह पे आई हैं, हमें ये मकान बेचना है, प्लीज कम इन, नो कम इन। एक मिनट, अब मुझे लगता है आपको वाकई मकान बेचना है। ऑफ कोर्स बेचना है, आप तो बहुत थक गई होंगी, आइए कुछ ठंडा पीते हैं। अरे नहीं, पहले मकान देखते हैं फिर कुछ ठंडा पिएंगे, कम इन। थैंक यू। वैसे मेरा नाम हसीना है। ओह हाय, आई एम लक्ष्मी, प्लीज कम इन। हमारे घर में है ना 3 कमरे हैं, एक आपके लिए, एक आपके पति के लिए और एक मेहमान के लिए। पति? हाँ, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, तब तक एक आपके लिए और 2 मेहमानों के लिए। हर बेडरूम में अटैच बाथरूम है, ये बंगला है ना एक पक्की चट्टान पे बना है, अगर बुलडोजर भी आया ना तो उसे गिरा नहीं सकता। सच? सच? ऑफ कोर्स सच, मैं हमेशा सच ही कहती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहती। इस घर में है ना मच्छर कॉकरोच खटमल वगैरह कुछ नहीं, 24 घंटे पानी आता रहता है। या खुदा, हम बहुत खुश हुए। पास में दरिया है, दरिया से ठंडी 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 हवा आती रहती है। ओह नाइस, हमें जगह बहुत पसंद है। yes. लेकिन हम इसे अर्जेंटली खरीदना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इस मकान का मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगी। क्यों, क्या हुआ, कुछ कम है क्या? चलिए 1.5 करोड़ रुपया दे दूंगी। 24 घंटा पानी, बिजली, मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं होती। हाँ क्या बोली भाईजान, ये डील बहुत सस्ते में हुई है, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए। क्या सिर्फ 1.5 करोड़? 1.5 करोड़? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? सपना? नहीं 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 भाईजान, यहाँ का एड्रेस तो लिख लीजिए। हाँ एड्रेस बोलो डॉक्टर, एड्रेस लिखो। अरे एड्रेस लिखो मोदी, जल्दी लिखो। हाँ बंगला नंबर 125 कलेक्टर्स कॉलोनी नियर चेंबूर कैंप, हाँ क्या मुंबई 74। हाँ बंगला नंबर 125 कलेक्टर्स कॉलोनी नियर चेंबूर कैंप मुंबई 74, कुछ पहचाना सा एड्रेस लगता है। ओह नो, ये तो मेरा ही गॉड।
डॉक्टर राज, तुमको ये बार बार क्या होती, तुम लुढ़क क्यों जाती, क्या होती? मैं कहाँ हूँ? अरे इधर क्लिनिक में है। हाँ शेख, शेख बोलो, हाँ? बोलो क्या बात? चलो है? हमको मकान दिखाती। नहीं नहीं नहीं, हम तुमको मकान नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? दिखाती तो गड़बड़ हो जाती। क्या गड़बड़ हो जाती? गड़बड़ हो जाती, करे की राह में पानी फिर जाती। क्या पानी फिर जाती? देखो अगर तुम हमको मकान नहीं दिखाती तो हम तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ती। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलती। देखो हम इधर नहीं होती, तुम पुरानी होती, जल्दी से लेके चलती। चलो उठो। हाँ ये भी सही है, तुमको हमसे जल्दी और कौन ले जा सकती। चलिए 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 जाइए। वो हमको हमारे कंपाउंडर को वो लास्ट मोमेंट का सब इंस्ट्रक्शन देती, तुम जाओ गाड़ी में बैठती, हम आती। ठीक है जल्दी आते। जाओ। हेलो लक्ष्मी। हेलो राज। राज मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। अरे वो हसीना का भाई शेख मेरा पेशेंट बनकर यहाँ आया है, मुझे तो तुम्हें बहुत बुरी खबर देनी है। कैसी खबर? क्या क्या क्या? तुमने अपने घर की इतनी बुराई क्यों की? अब क्या होगा? लक्ष्मी 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 अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सुनो इस शेख को लेकर मैं घर आता हूँ, हाँ? मगर घर आने के बाद तुम मुझे मत पहचानना, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी बन जाएंगे। एक बार घर बिक गया उसके बाद किसको क्या पड़ी है। हम अजनबियों की तरह मिलेंगे। बाय। पता नहीं अब घर जाके क्या गड़बड़ होने वाली है। हे भगवान मेरी रक्षा करना, मेरा घर बिकवा देना 1.5 करोड़। आइए शेख साहब आइए आइए। ये क्या करती? दूसरी घर दिखाती। आइए आइए। अरे तुमको पक्का यकीन है ना कि घर यही है? हाँ बिल्कुल यही है, और कोई हो ही नहीं सकता। आप आवाज तो लगा के देखिए। हसीना हसीना मेरी बहना। भाई जान। देखो हम आती हम आती। और ये है डॉक्टर राज। नमस्ते, आई मीन आदाब। और ये है लक्ष्मी जी, इस घर की ओनर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। घर तो ठीक ठाक ही लगता है। थैंक यू। मैं बोली। अच्छा तुम बोली। हाँ ठीक है, कल हम तुमको 1.5 करोड़ रुपया देती। मुझे 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 तुम्हें देती। हसीना बहना देखो ये जो डॉक्टर राज है ना, इसका घर बड़ा घटिया बकवास घर है। क्या क्या हुआ? एक डॉक्टर होकर एक घटिया घर में रहते हो? अरे डॉक्टर घटिया नहीं है, उसका घर घटिया है। अच्छा चलो अब हम तुम्हारा घर देखते हैं। मेरे क्या मेरे घर जाएंगे? डॉक्टर राज चलो हम तुम्हारा घर देखती। मेरा घर देखती और क्या करती, मेरा घर एकदम फटीचर है। तो क्या हुआ? अब ये देखिए ना कितना आलीशान घर है, कितना मजेदार घर है, देखिए ना। अगर ये आलीशान है तो फटीचर घर कैसा होती वो हम देख के फिर पैसा देती। अरे आप अंदर चल के देखिए तो सही, बहुत अच्छा घर है। वो देख के क्या करती? अरे हम तो तोड़ के नया घर बनाती। अच्छा ये बात है, तो फिर आप ये घर में घूम के देखिए आप क्या क्या तोड़ना चाहती। हाँ, हाँ, चल हसीना देखती। जाओ हसीना देखो। हाँ गुड आइडिया। तुमने गाड़ी में बैठा के लंबे रास्ते से घुमाओ 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 कर पीछे के रास्ते से ले आओ। तुम क्या मुझे ऑटो रिक्शा ड्राइवर समझती हो? बिल्कुल ऐसा ही। कैसे? देखो तब तक मैं घर का हुलिया बदल लेती हूँ, वो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि लक्ष्मी का घर है। अच्छा आगे चलो डॉक्टर, हम चलती। चलो चलती। लक्ष्मी जी हम कल के आपको पैसा दे देंगे। वैसे आप क्या प्रेफर करती हैं, चेक या कैश? कैश कैश। मैं वो आइए ना शेख साहब, आइए ना, मेरे फटीचे घर जाके देखती। बाय। क्या करूं मैं, पुलिया कैसे बदलू, कुछ तोड़ती हूँ। अरे 1 घंटे से हम घूमती, तुम्हारा घर कभी आती? अभी तो हमको खुद नहीं मालूम पड़ती। लेकिन मैं क्या कहता हूँ शेख साहब, देखिए ना कितनी सौंधी सौंधी धूप है, क्यों ना हम जुहू चल के पानी पूरी खाए हैं। अरे भाड़ में गई तुम्हारी जुहू बीच और मौसम, हमको हम तुम्हारे घर नहीं जाती, उसके घर जाती। क्या नाम है उसका? लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी घर जाती, चलो ले चलो। नहीं नहीं लक्ष्मी घर तो जा नहीं सकते, बहुत दूर है। आ गया आ गया, मेरा घर आ गया। ये है मेरा गरीब खाना। अरे नीचे कैसे आई? ओह कोई बात नहीं, ये तो रोज की बात है। एक मिनट इसको रख देता हूँ यहाँ। आइए आइए पानी पियेंगे आप? फ्रेश बिल्कुल, ये हमारा मल्टीपर्पज लोटा है। नहीं नहीं जी जी जी, हमें तो गंदा पानी नहीं पीती। हाँ। ये तुम इतने घटिया घर में रहती हमको यकीन नहीं आती। अरे हमको भी यकीन नहीं आती, ये तो सब लक्ष्मी देवी की कृपा है। हाँ लक्ष्मी देवी की कृपा है। राज तुम इतने गंदे घर में क्यों रहती, इसकी सफाई क्यों नहीं करवाती? अरे कैसे सफाई करूंगा मैं, दिन भर तो मैं खुद अस्पताल में रहता हूँ, और मेरी बीवी इतनी निकम्मी और कामचोर और आलसी है कि मैं क्या बताऊं। सामान उठा उठा कर कमर टूट गई,
और कह रहे कि आलसी हूँ। आपकी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी? हाँ मेरी बीवी घर में रहती है। कहाँ भाई, अपनी सहेलियों शादियों के साथ घूमती रहती है या फिर अपने मायके चली जाती है। हसीना तुम ऐसा करो, घर देखो, हम इससे बात करती। चलो जाओ। ऐसा करो, ऐसी बीवी को तुम तलाक क्यों नहीं दे देती? हम भी यही सोचती है कि जल्द से जल्द हम उसको दे देवे तलाक। बिल्कुल दे दे तलाक, देती देती। ये घर को जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या कहा? लक्ष्मी जी, ये घर आपके घर से मिलता जुलता नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम हमारी दोस्त होती इसलिए तुम्हारा दुख हमसे नहीं देखी जाती। हम तुम्हारे घर को साफ सुथरा रखने के लिए अपनी बहन हसीना तुम्हें देती। ठीक है, आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? जैसे आपकी मर्जी। क्या कहा राज? देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना लक्ष्मी यही कही है, ये उन्हीं की चीख है। अरे नहीं बाबा नहीं, ये कोई फेरी वाली बाहर आई है बर्तन बेचने वाली, उसकी आवाज। उसी की होती, उसी की होती। ऐसा करती कि लक्ष्मी जी के घर जाती, अभी फैसला हो जाती। अरे नहीं, आप खामखा घड़ी घड़ी लक्ष्मी जी के घर क्यों जा रहे हैं? बिचारी को तकलीफ होगी ना। अब वो क्या है, घड़ी घड़ी उसे सामान उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है, तकलीफ तो होगी ना। सामान उठाना पड़ता है, क्या मतलब आपका? मतलब ये है कि भाई वो औरत है, अकेली जान है, आप घड़ी घड़ी उसके घर जाएंगे तो उसको तकलीफ तो होगी ना। कोई तकलीफ नहीं होगी, वो बहुत अच्छी है। अभी चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, मैं अगर आपके साथ चला गया तो उसको सामान उठाने में मदद कौन करेगा? लगता है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है डॉक्टर। हाँ तबीयत अब तक तो ठीक थी, लेकिन जैसे प्लॉट गहरा होता जाता है मेरी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। प्लॉट प्लॉट प्लॉट, ये घर जिस प्लॉट में बना है। आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपकी होने वाली बेगम हूँ। हाँ, इसी बात का तो गम है मुझे। अरे अभी गम की कोई बात नहीं, हम लक्ष्मी जी के घर जाती, उससे मिलती, वापस इसको तुम्हारे पास छोड़ती, आखिर तुम्हारे होने वाली बेगम जो है ये। नहीं ये देखो, अरे लक्ष्मी जी की आवाज, उसी की चीख है, वही चीख रही है। अब तो मेरा भी चीखने को दिल करता है। लगता है ये 1.5 करोड़ पाने से पहले सामान उठा उठा कर मेरी और लक्ष्मी की अर्थी उड़ जाएगी। तुम कुछ बोली? तुम कुछ सुनी? नहीं। एक काम कीजिए शेख साहब, आप लक्ष्मी जी के घर जाइए, तब तक मैं सामान उठा के जरा जगह पे लगा देता हूँ, साफ सुथरा कर देता हूँ घर। ठीक है, हम जाती। ओ माय गॉड, लेकिन आप जाएंगे कैसे? आपको तो रास्ता भी नहीं मालूम। अरे नहीं, हम एक बार जो रास्ता देख लेती वो कभी नहीं भूलती, सीधा लक्ष्मी के घर जाती। करेक्ट, तो आप सीधा लक्ष्मी के घर चले जाना। देखिए शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करना, जल्दी पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हम चलती। तुम चलती जल्दी। खुदा हाफिज़। खुदा कुछ नहीं, हम चूहा देखी, हम चूहा देखी। घर में बहुत चूहा होती। क्या कर रही हो? मेरे होते हुए तुम हसीना से शादी करोगे? कैसी बात करती हो, मैं एक जिंदगी में दो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर सकता हूँ क्या? मैं तो सारा नाटक कर रहा था। जैसे ही 1.5 करोड़ रुपए हमारे हाथ में आया ना, हम पहाड़ी पे चले जाएंगे। कौन सी पहाड़ी? पहाड़गंज। हाँ गुड आइडिया। अच्छा, चलो सामान रख लेते हैं। सामान चलो चलो चलो, हम लोग ये सब साफ कर देते हैं। ये भाईजान मैं सच कह रही हूँ। अरे राज बोली उसके घर में भूत होती, तुमको ऊपर भूत दिखती। भाईजान वो लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी कैसे होती उधर? ओहो राज, हो गया कि नहीं? बस बस होने वाला है। भाई कौन, वो लोग आ गए। राज जल्दी से छुप जाओ। कहाँ छुप जाऊँ मैं? कहीं भी जल्दी से जाओ। देखो ये बोली कि डॉक्टर राज के घर में इसको लक्ष्मी जी देखी। अरे कैसे हो सकती थी? डॉक्टर राज के घर? पागल हो गई है। क्यों हसीना? लक्ष्मी जी मैं सच बोलती हूँ, मैंने वहाँ पर आपके जैसी औरत देखी थी। होता है होता है, पहले है ना मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। बोलती कि डॉक्टर राज के घर में इसको लक्ष्मी दिखती। अरे पागल हो गई।
कौन होती? होती? किधर जाती? बोलेगी तो ये लोग सब मुझको पागल बोलेगी। मैं नहीं बोलेगी कि राज दिखती इधर नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखती। कौन है तू? कुछ नहीं, मैं तो सोफा का एक हिस्सा है। राज, 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 इधर राज जी, अभी राज जी इधर। राज मेरे घर में? हाँ मैं देखी जैसे इसने तुमको तो देखी मैंने। होता है मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। आपने डॉक्टर राज को मेरे घर में देखा? हाँ अभी देखी, इधर घर भी देखी, उधर भी देखी, अभी इधर देखेगी। अरे किधर गई डॉक्टर राज? अरे वो तो कब्ज है भाई साहब। हाँ? लगता है आप भी मेरी तरह सपने देखने लगे। अरे नहीं, नहीं, नहीं देखते हम सपना कैसे देखते। वो हम बाहर बोर्ड पढ़ो कि तुम अपना आलिशान महल बेचने को, हम खरीदने को आए यार बस तंज से। ओह आई एम सो सॉरी, हमने ये बंगलो बेच दिया है इनको 1.5 करोड़ में। 1.5 करोड़ में? यस। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना आलिशान महल तुम खाली 1.5 करोड़ में बेच दिया, वो हम तुमको 2 करोड़ रुपए देते। 2 करोड़? हम तुमको 3 करोड़ देती। तो हम 4 करोड़ देता। हम 5 करोड़ देते। हम 6 करोड़ देता। हम 7 करोड़ देती। तो हम 8 करोड़ देता। 8 करोड़? तुम क्या देती? कुछ नहीं देती। इतनी बेवकूफ नहीं होती कि 8 करोड़ के ऊपर देती। हसीना इधर आओ। माशाल्लाह, क्या गौरा है। कोई असली अरब घाटे का सौदा नहीं करती। चलो डॉक्टर राज के घर चलो। वो तुम जाओ राज के घर जाओ, किसका भी घर जाओ, ये घर आप देगा। गॉड, क्या हुआ? ये लोग डॉक्टर राज के घर जा रहे हैं, उस घर में कुछ तैयारी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ? ये सब मैं क्यों बता रही हूँ तुमको? ये काहे को बता दूँ? हमको भी समझ में नहीं आ रहा। राज, राज कहाँ गया? हेलो हेलो लक्ष्मी। राज तुम कहाँ हो? मैं गली के चौराहे से बोल रहा हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे राज एक सुपर गुड न्यूज है। क्या क्या सुपर गुड न्यूज? अरब को अपना बंगला 8 करोड़ में बेच दिया। क्या कहती हो? हाँ। 8 करोड़ में भेज दिया। हाँ। तो तुमने कुछ पेश के लिए कि नहीं, कुछ टोकन मनी लिया कि नहीं? है, मैं तो भूल गई। एक्सक्यूज मी, बोलो। टोकन मनी? वो टोकन मनी है, ये लो टोकन मनी है, और ये टोकन मनी लो ये। दे रहा है। क्या हुआ? और राज तुम 1.5 करोड़ का घाटा हो गया ना। लक्ष्मी मेरी यार, अपने सेंटिमेंट्स यूज करो, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। ये तुम्हारे खानदान का पुश्ता ही नहीं मकान है ना, इसे हम कैसे बेच सकते हैं? आज तक इस मकान में तुम्हारे दादा की आत्मा घूमती रहती है, गाते गाते कहीं दीप जले कहीं दिल, हम नहीं बेच सकते। डॉक्टर राज, डॉक्टर राज। ओ गॉड, वो लोग आ गए। जाओ दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, इस बार तुम जाके दरवाजा खोलो। ओके, ये लो। क्या है? अरे हटो इधर से। डॉक्टर राज, डॉक्टर राज। ए लक्ष्मी, तुम इधर क्या करती? मैंने अपना घर बेच के ये खरीद लिया। खरीद लिया? कौन आया है लक्ष्मी? अरे राज, अरे तुम। ये मेरे पति। तुम्हारा पति? हाँ। अरे इतनी जल्दी पति कैसे होती? वो क्या है, मैंने अपना घर बेच दिया और लक्ष्मी से शादी कर ली है ना। इतनी जल्दी? अरे गुड्डी आ गई हमारी। अरे ये गुड्डी कौन होती? ये गुड्डी हमारा बेटी होती। ये सुबह सुबह स्कूल में भाग जाती, दोपहर को लंच टाइम में गुटली मार के वापस आ जाती। अरे ये क्या होती, हम लक्ष्मी के घर से यहाँ तक आती, तब तक तुम शादी करती, बंगला बेचती, बेटी पैदा करती, स्कूल जाती। वाह हिंदुस्तान भी क्या तरक्की करती। आमीन आमीन।